मदरसा शिक्षा को लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठाए जा चुके हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र पहले आ चुका है कि कई देशों में मदरसों में बच्चों को कट्टरपंथ की शिक्षा देकर आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है। भारत में भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें खुलासा हुआ था कि मदरसों में आतंकी मौलवी बनकर बच्चों के मन मस्तिष्क में जहर घोल रहे थे। इस पर कार्रवाई भी हुई। असम और उत्तर प्रदेश की सरकारें इस दिशा में कदम उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों के जरिए शिक्षा की आड़ में फैलाए जा रहे धार्मिक उन्माद के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई करती आ रही है। अवैध मदरसों पर सफलतापूर्वक एक्शन के बाद योगी सरकार मदरसों के शैक्षिक स्तर को मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। ताजा लिए गए फैसले के अनुसार अब मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मदरसा बोर्ड की बैठक में मदरसों को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। इसमें मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करना प्रमुख है। बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरह ही चरणबद्ध तरीके से मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया जाएगा। इसके लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे उन्हें पता चल सके कि छात्रों को किस तरह से पढ़ाना है। यूपी मदरसा बोर्ड ने शिक्षा में बदलाव के इस फैसले का कड़ाई से पालन करने का आश्वासन दिया है। बोर्ड ने कहा है कि एनसीईआरटी सिलेबस को ठीक से लागू किया जा सके, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि यह बात साबित हो चुकी है कि मदरसों में बच्चों को शिक्षा की आड़ में चरमपंथी बनाने का गोरख धंधा चल रहा था, जिसकी धार को एक के बाद एक कड़े एक्शन लेकर यूपी सरकार ने कुंद कर दिया है। मदरसा शिक्षा जिहाद का केंद्र बनकर ना रह जाए, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।